वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग। और आज 20 तारीख है और मैं होटल से नींद से अभी जाग गया हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया हूँ। मैंने मालूम किया कि ब्रेकफास्ट फ्री है, उन्होंने कहा नहीं, आपका सिंगल रूम था, ब्रेकफास्ट जो है उसमें फ्री नहीं है। तो मेरा इनका मैंने एक मंथी है, वो मंथी मैंने जो है ना वो करवाई है। वो चिकन का कुछ या मटन का कुछ सैंडविच बनाते हैं, इस टाइप का कुछ है। वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और अपनी बॉटल के साथ मैं रात को जो कोका कोला लिया था मैं उसके साथ जो है वो उसको पियेंगे। आज अभी 12 बजे चेकआउट करना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चेकआउट हो जाए। और चेकआउट होने के बाद मैं बैग नहीं रख पाऊँगा, या मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी जगह इनकी देखने वाली, एक दो जगह बहुत अच्छी हैं, उन जगहों का दिखाएंगे, फिर आपको भी साथ ले चलेंगे और वहाँ फिर आपको भी विज़िट करवाएंगे साथ। तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि नाश्ता आए, तो फिर मैं नाश्ते के लिए आपको दिखाता हूँ कि नाश्ता क्या है। ये नाश्ते में जो है ये मंथी इनके हैं, 2 मंथी मंगाई हैं, 5000 की एक मंथी। मैंने कहा चेक करते हैं फिर, अगर अच्छी है तो फिर। और ये कर्ड टाइप की, दही टाइप की कोई चीज़ है। और ये इनकी एक सॉस है और ये साथ इन्होंने रोटी आधा नान जो है वो दिया है, इनका एक स्टाइल है देने का। और ये मेरी कोका कोला रात वाली जो आधी बची हुई थी तो मैं अभी ले आया हूँ, तो आप देखिए। मटन जैसी कोई चीज़ है रोटी में रखी हुई, शायद सॉस के साथ अच्छा लगे। केचप है, वैसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं दही के साथ खा के देखता हूँ। काफ़ी गर्म है, थोड़ी सी दही मिला के। थोड़ी सी फीकी है, यहाँ का स्टाइल है होगा, लेकिन अच्छा है, मटन है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो मज़ा है। तो अभी इसको खाएंगे, अगर अभी खाने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर बाहर के लिए निकलते हैं, एक दो घंटा लेट डे रेस्ट करके। सर्चिंग कर दी है मैंने, देख लिया कौन कौन से एरिया, फिर आपको भी साथ घुमाते हैं। चलिए खाएं थी, फिर उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं तिरमेज़ के वॉकजाल में खड़ा हुआ हूँ। वॉकजाल से मुराद है इनका ट्रेन स्टेशन। और मैं अब समरकंद के लिए तैयारी कर रहा हूँ, बारिश हो रही है इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा। मैंने सुबह जो है वो उठ के अभी नाश्ते के बाद से जब मैं बाहर गया, मैंने बोला आपको बाहर देखें, लेकिन इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट थी कि बाहर मौसम इतना अच्छा चल रहा था और कोई इतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा कि ट्रेन स्टेशन पर जाके थोड़ा सा जो है वो टाइम देखते हैं और थोड़ा सा यूज़ करेंगे इंटरनेट। फिर मैंने पहले वहाँ सामने बैंक था, बैंक से जो है वो मैंने चेंज किए हैं, एक्सचेंज किए, 10,400 का रेट आया डॉलर पे, तो मैंने $70 चेंज किए, जिसके मुझे जो है वो 7,28,000 जो है वो मुझे यहाँ के सोम मिले हैं। और मैंने वो एक्सचेंज कराया, तो फिर यहाँ मैं आया तो वॉकजाल पे और टैक्सी वाले को मैंने 5,000 रुपये दिए, वो 10,000 मांग रहा था, 5,000 मैंने दिए। बहुत नज़दीक है स्टेशन वहाँ से, शार्क होटल से। और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ आया तो उन्होंने मुझे, इनकी बुकिंग स्टेशन है उसकी बुकिंग की अंदर वीडियो नहीं बनाने दी, और अंदर जाके वॉकजाल की भी नहीं बना सकूँगा ट्रेन स्टेशन की, तो इसलिए उन्होंने मुझे जो है फिर वो 1,10,000 की टिकट दी है इकनॉमी की, और जो कि शाम 5:40 पे चलेगी और 9 घंटे की ये ट्रेन है, और सुबह मुझे 4 बजे जो है वो ये पहुंचा देगी, या 3 बजे पहुंचाएगी या 4 बजे सुबह जो है वो मुझे पहुंचाएगी फजर के वक्त में। तो फिर इंशाल्लाह ताला वहां समरकंद पहुंच के फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह।
ट्रेन स्टेशन वॉगजाल त्रिमेज में मौजूद हूँ और आप जो है वो देख रहे हैं मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है 5 बजे में ये बड़ा खूबसूरत ट्रेन स्टेशन है और मतलब काफ़ी डेवलप्ड है और हरियाली बहुत है। ये पीछे इसकी बिल्डिंग है जिसमें से मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर आके नज़ारा लिया जाए, आपको भी थोड़ा सा बताया जाए, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आप देख रहे हैं बड़ा बुरा इस वक्त जो है ना ठंड बहुत है। इस वक्त ठंड मेरे ख्याल से मैंने अंदर पता किया था तो इस वक्त ठंड में जो सिलसिला है वो उन्होंने बताया कि इस वक्त 3 डिग्री सेल्सियस है तो काफ़ी ठंड है मुझे लग रही है, लेकिन क्योंकि मैं इंजॉय कर रहा हूँ बारिश भी साथ साथ हो रही है इस वजह से मज़ा आ रहा है। और ये इनका लैंडमार्क इन्होंने लगा रखा है उज्बेकिस्तान के नाम से, ये इन्होंने ट्रेन स्टेशन के अंदर भी उज्बेकिस्तान के नाम से बड़ा अच्छा लैंडमार्क लगाया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं सेल्फी वगैरह लेते हैं लोग और दूसरी चीज़ें सवाल करते हैं। बस 5:40 पे इंशाल्लाह ताला जब ट्रेन रवा होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ रहूँगा। अभी जब तक मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूँ और कुछ चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसी चीज़ों को भी मैं देख रहा हूँ, हिसाब किताब भी करना है और फिर इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेन स्टेशन पे वापस लाएंगे और फिर ट्रेन के अंदर बैठ के फिर आपको सारा बताऊँगा। इस वक्त अपनी मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और ये अभी चलने वाली है और ये देखें आप इसका कंपार्टमेंट, ये मेरा नीचे वाला बेड है मैंने सजा लिया, ये ऊपर रखा हुआ है, 2 की बर्थ है और ये पीछे सीटें हैं, बस थोड़ी सी फंटास्टिक है, ये एक इकोनॉमी क्लास है और ये देखें इनके पूरा यहाँ से वहाँ तक सारा ट्रेन का सिस्टम। वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 घंटे का ज़्यादा, अब ये 5:40 पे चलेगी तो पूरी रात बैठ के सुबह 4:30 बजे ये पहुँचेगी वहाँ समरकंद, तो फिर वहाँ चल के बात होती है। तकरीबन आपको बताया था मैंने ये कि ये 101,10,000 रुपये में ये बर्थ हुई है समरकंद। अभी ट्रेन चल पड़ी है, ये देख रहे हैं आप स्टार्ट हो गई है, बाहर मुस्तकिल बारिश है और सब ये स्टार्ट हो गई चलेगी तो फिर इंशाल्लाह फिर समरकंद पहुँच के फिर आपको बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप सब, खैर खैरियत है। अच्छा जी अभी जो है वो तकरीबन टाइम हो गया है तकरीबन 9 बजने वाले सुबह के और मैं इस वक्त समरकंद में बैठा हुआ हूँ। कल मेरी आपसे ट्रेन में बात हुई थी, कल के दिन जब ट्रेन का सिलसिला था वहाँ जो है वो मैं ट्रेन में जब समरकंद के लिए निकला था तो रात थी, शाम 6 बजे की गाड़ी थी हमारी और आपको बताया था मैंने कि 1,10,000 रुपये यहाँ के सोम जो थे वो उसके बने थे और अच्छी थी, स्लीपर वगैरह था उसका, बकायदा स्लो गाड़ी थी, लेकिन यह कि सुबह ऑन टाइम जो है वो 4 बजे सुबह फजर में वो पहुंच गई। बहुत ठंड थी, -1 -2 चल रहा था, मैं टी शर्ट में और मैं कुछ लाया नहीं, इतफाक देखें अब मैं मुझे जहन भी नहीं था, असल में जल्दी जल्दी का थोड़ा चक्कर चला, मेरे जहन भी नहीं रहा कि वहाँ ठंड है और मुझे अंदाज़ा नहीं था, ठंड तो पता था मुझे लेकिन बस जहन से आया इन मौके में निकल गया तैयारी के वक्त में। तो बहरहाल ठंड थी अंदर, आगे बैठा मैं अंदर स्टेशन के अंदर भी मुझे ठंड लग रही थी काफ़ी, तो जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने कहा यार मैं अब हॉस्टल जाऊँगा 5-6 बजे के करीब सुबह फजर में, वो क्योंकि चेकआउट जो होता है 12 बजे होता है और चेक इन 2 बजे है हॉस्टल में, रेगिस्तान हॉस्टल है और रेगिस्तान के एरिया में, रेगिस्तान का जो स्क्वायर है उसके नज़दीक ही मैंने ये हॉस्टल लिया, मैं अंदर ही बैठा हूँ। तो सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला 2 बजे चेकआउट है, और 12 बजे चेकआउट है और 2 बजे चेक इन होगा, तो मैंने कहा मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अंदर थोड़ा गर्म मौसम था, थोड़ा सा मज़ा आया, सोफ़े वगैरह लगे हुए आप देख रहे हैं पीछे, सोफ़े वगैरह लगे हुए और इतना दरश नहीं, 3 कमरे हैं इनके और बड़ा अच्छा है, 9.8 रेटिंग है, तो बड़ा पीसफुल एरिया ना, तो बड़ा अच्छा मुझे पसंद आया। तो मैं आगे यहाँ सो गया तो 3 घंटे सोने के बाद अब मैं थोड़ा जागा हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपसे जो है बातचीत कर रहा हूँ, तो मैंने कहा वीडियो बनाया जाए बताया जाए आपको। ये मुझे तकरीबन $6 में मुझे पड़ा है, $6 ये हुआ है, $6.95 में, इसमें आपका टैक्स प्रॉपर्टी इंक्लूड है और $2 ये और लेंगे मुझसे अभी, क्योंकि ये जो है ना इन्होंने यहाँ कोई टूरिज़्म टैक्स होता है, तो तकरीबन ये $9 में मुझे पड़ जाएगा। तो अगर ये $9 के हिसाब से मैं ना दूँ, 8.595 दूँ और अगर मैं सोम के अंदर हिसाब किताब लगा रहा हूँ
तो मुझे तकरीबन 93,000 सोम देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये मुझे 9 रुपये के चार्ज करेंगे तो ये तकरीबन 93,000 सोम देंगे, लेकिन अगर मैं 8.95 और जो इनका पूरा रेट है इसके हिसाब से दूँ तो मुझे 89,500 देना पड़ेगा, यानी राउंड अबाउट मैं इनको 90,000 दूंगा। देखता हूँ फिर आगे क्या कहते हैं, 90,000 में वोल्वा डॉलर मेरे पास नहीं है। तो बहरहाल अभी ये जो है ये मुझे चेकआउट करेंगे, जब तक कुछ करें, पूछा है किचन है, हर चीज़ है, या फर्स्ट क्लास है, मैं आपको अभी सर्वे भी कराऊंगा, लेकिन बात यह है कि वो पहले मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ, नाश्ता की भूख लग रही है ठीक ठाक, तो नाश्ते के लिए मैं जाता हूँ, देखा सामने दुकान है और वो सामने दुकान पर मैं नाश्ते के बाद आपको नाश्ते वाली जगह पर ले जाता हूँ, फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ नाश्ते के लिए क्या मिलता है।